तो मैंने सोचा कि बीच बीच में मैं कन्वर्जन की प्रैक्टिस लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स किसी भी सवाल में किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में अटक जाए ये तो हम करने नहीं देंगे है ना बच्चों तो देखते हैं कौन कौन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है मी जस्ट चेक ओके दिशा क्रिशु पनिका अनिशा विशाखा ज्योतिका जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स हाय सोनिया रोहित अनुराग विशाखा रितेश अभिनव प्रतीक यार सेशन को ना फटा फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो हाय प्रियंका हेलो दिशा हेलो हिमांशु हेलो हर्षु तो आज कन्वर्जेंस के लिए ना ऐसे नहीं चलेगा कि सेशन चल रहा है हम बैठे हैं देख रहे हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स अ क्लासरूम इट्स आर हैव टू डू इज हमको कॉपी पेन लेके बैठना है मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी उस टेक्निक को बताने के बाद मैं आपको ऐसे टाइम दूंगी उसको आपको अपनी कॉपी में फुल स्पीड से नोट करना है और फिर उन टेक्निक्स पे बेस्ड आपको कन्वर्जन प्रैक्टिस करना है अस गेट स्टार्टेड सो माई नेम इज मोनिका बेदी

जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स मेरे फोन में बैटरी हो गई है खत्म तो इसको जरा चार्जिंग पे लगा लेते हैं नहीं तो चैट्स में प्रॉब्लम आएगी और आज क्या है कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस में थोड़ा सा आउट चलेगा ना किसने किया पहले क्या किया है ना तो मज़ेदार तरीके से गेमिंग अंदाज में खेलेंगे एंड लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको नोट कर लो इसमें ग्रुप में ज्वाइन होना है क्योंकि इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स सब टाइम पे मिलते रहेंगे एंड uh, आज शाम को साढ़े चार बजे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट टू है कल हमने नोमन क्लेचर को बहुत ही मस्त अंदाज में किया था कोई भागम भाग भागम बेल नहीं की थी मतलब हम रनिंग नहीं की थी बेसिकली uh, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन सब अच्छे से कंप्लीट किया आज पढ़ने वाले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी

ब्लॉक डीएफ ब्लॉक एंड कोआर्डिनेशन केमिस्ट्री आई रिपीट पी ब्लॉक डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द कोर्स फॉर टुमोरोज क्विज ऑल राइट कल आपकी ये क्विज है ठीक है ये देखिए इन ऑर्गेनिक के लाइव क्विज इसको एनरोल कर लीजिएगा नोटिफाई कर दीजिएगा एनरोल करने के लिए आई एम रियली टेकिंग दिस क्विज वेरी सीरियसली स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू कम ऑन द लीडर वुड आगे बढ़ते हैं अगर आप वन शॉट अटेंड करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अटक जाते हैं आपको लगता है कि यार क्लिक नहीं हो रहा क्लिक नहीं हो रही बात या समझ में नहीं आ रही या हमको और एग्जांपल्स करने तो आई वुड रेकमेंड कि आप डिटेल सेशंस देखेंगे ठीक है डिटेल सेशन देखने से तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है सब्सक्रिप्शन uh, अगर आपको लेना है प्लस प्लेटफॉर्म

प्लस पे जो बच्चे प्लस पे अभी अभी आए हैं या जो बच्चे प्लस पे ऑलरेडी काफी दिनों से हैं तो उनकी भी जानकारी के लिए वैसे उनको अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं फिर भी मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं हर हर एक पोर्टल पे बता दूं आके तो ये कोर्स स्टार्ट हो गया कल से इसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिस कल स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट हाईलाइट तो ये कुछ ऐसा कोर्स है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट देती हूँ चैप्टर की इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को एक जगह लिख के दिखाती हूँ थोड़ा 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 समझा के और फिर उसके ऊपर मैं पीवाई क्यूज सॉल्व करवाती हूँ पीवाई क्यूज कौन कौन से आ चुके हैं ऑफकोर्स प्रीवियस ईर क्वेश्चन उनके प्रेजेंटेशन के क्या उनमें स्टेप मार्किंग कैसे होती है मतलब क्या क्या स्टेप लिखने पर आपको आधा 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 नंबर मिलता जाता है और क्या क्या नहीं लिखने पर आपके मार्क्स कटते जाते हैं तो ये सारी चीज हम कॉम्प्रेहेंसिव बैच में बहुत फोकस करके इसकी तैयारी हम कर रहे हैं तो अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे है तो इसको एनरोल करें यहां देखिए और अगर आप प्लस पे नहीं है तो प्लस पे आए और इसको एनरोल करें स्टूडेंट्स ठीक है आगे बढ़ते हैं आकोनिक सब्सक्रिप्शन के लिए टेन परसेंट डिस्काउंट आपको एमबी लाइव रेफरल कोड से मिल जाएगा सिक्स मंथ्स ऑल सब्जेक्ट चार्जेस फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे नीट एंड एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं क्योंकि इन सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आपको मिलेगा मौका उन एडुकेटर्स से पढ़ने का जो कि रैंक प्रोड्यूसिंग एडुकेटर्स कोविड अनविटीन के टाइम पे ऐसे कोटा के एडुकेटर्स को अपने साथ में जोड़ लिया है जो कि काफी सालों से रैंक प्रोड्यूस करते आ रहे हैं टॉप हंड्रेड टॉप फाइव हंड्रेड में ना केवल जय एग्जामिनेशन में बल्कि नीच एग्जामिनेशन में भी तो इफ यू वॉन्ट टू गेट अ चांस टू स्टडी फ्रॉम दोटर्स इन योर होम इथ इन अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट तो फिर आपको ये सब्सक्रिप्शन जरूर लेने चाहिए और रेफरल कोड एम बी लाइफ लगाने के बाद ट्वेल्व चार्जेस इसके इज क्वाइट फोर्टीट क्योंकि कोटा जाके अगर आप पढ़ते आपका ट्रैवल कॉस्ट आपका रेंट का जगह आप जो आप लेते हैं फिर आपका कोचिंग लाखों में जाता है तो वो उसके सामने देखा जाए तो आई थिंक ये कुछ भी नहीं है कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है और वही एडुकेटर्स आपको आपके घर आपके घर में आप कंफर्टेबल माहौल में और आपको पढ़ा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्जन सारे बच्चे कॉपी पेन वगैरह सब लेके आ गए हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन सारे बच्चे रेडी है ना अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हाँ थम्स अप करो वेदही हिमांशु मंजू आनंद सिंह विभूति सोनिया अन्वेशा अरविंद हेमवती रिनॉल वेरी गुड आफ्टरनून बेटा है ना तो सेशन को शेयर नहीं किया अभी तक सेशन को तक नहीं कम मतलब बच्चों को पता लग गया है कि हाँ हम भाई टू से करेंगे है ना। ये चालाक हो गए बच्चे मेरे। वेरी अब हमारा क्या वो सुनना? आ, देखो। अभी हमने एलडेड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया मतलब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चैप्टर हो गया एक चैप्टर बचा है बीच में हॉल्ट दिया ताकि तुम इन तीनों को पक्का करो पक्का करो और बीच में प्रैक्टिस प्रैक्टिस के सेशंस लाती रहूंगी ठीक है

आप ये फील करो कि बिल्कुल हम क्लासरूम के अंदाज में पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है वन बिल्कुल फीलिंग मत रखो कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आप बिल्कुल यही फीलिंग रखो कि हम क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और आप फटाफट कॉपी करें और कॉपी करते ही कर दे चैट बॉक्स में इसके बाद इस पे पे बेस्ड बेस्ड हर एक टेक्निक टेक्निक्री टू फाइव कन्वर्जन तीन से लेके पांच कन्वर्जन विल बी बेस्ड ऑन ईच ऑफ द टेक्निक तो बच्चों फटाफट पट, गेट सेट गो और जल्दी से इसको नोट करो अपनी कॉपीज में नोट करते जा रहे हो थम्स अप करते जाओ नोट कर लिया थम्स अप करते जाओ मैं आगे से हट गई हूँ फटाफट फटाफट हाँ कर चुके नोट ओके okay, बेटा कुछ टेक्निक्स तो नॉर्मल है जो मैं काफी बार ला भी चुकी हूँ कुछ टेक्निक्स आज के सेशन में नई भी हैं तो लेट गेट टेस्टेड कि कितना हमको आता है नेक्स्ट सीरीज ऑन ओके okay. सौरभ कश्यप बोल रहे हैं कि अगली सीरीज जो आप ला रहे हैं इस तरह का प्रैक्टिस का सेशन ला रहे हैं उसको पीवाई क्यूज पे लाइए डन बेटू ऑलरेडी नोटेड चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नोटेड करते जाओ नोटेड नोटेड मतलब थम्स अप तो पता लगे कि हाँ नोटेड स्टूडेंट्स, शुड वी गेट स्टार्टेड? विशाखा विप्रा मंजू खुशी शालिनी बबीता कंचन आनंद सिंह राजपूत सोनिया वेरी नाइस वेरी नाइस चलो अब इस टेक्निक को मैं एक बार आपको समझाती हूँ और फिर आप टू टू मार्क्स दीजिए ना खुद को सेल्फ असैसमेंट है ये ये सेल्फ असेसमेंट है बेटा दो दो नंबर का एक मेरे पंद्रह सोलह कन्वर्जन से आज के

एल्केन बहुत इजीली बनाया जा सकता है तो करें बच्चों स्टार्ट नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टूडेज टेस्ट मैं कहूंगी टेस्ट इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट ठीक है तो पहला है पेंटेन वन ऑल टू ब्यूटेन तो जल्दी से अपने कॉपीज में uh, करना शुरू करो पेंटेन वन ऑल टू ब्यूटेन पेंटेन वन ऑल सी एच थ्री सी एच टू पेंटेन वन ऑल से आपको बनाना है ब्यूटेन ब्यूटेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री चलिए कैसे बनेगा बताएंगे मुझे quickly, quickly, K2, C2, Kashiach, का सबसे पहले आंसर आया है कि ऑक्सीडाइज कर देंगे फिर एनए सीए कर देंगे और गेमिंग सर्च कह रहे हैं ऑक्सीडाइज सोडा लाइन प्रतीक त्रिपाठी कह रहे हैं केम एंड फोर एंडलेन सोनिया कह रही है विप्रा गुप्ता भी यही कह रहे हैं सब प्रियंका भी यही कह रही है तो एवरी वन इज सेम थिंग कि पहले हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो केए फोर ले लो केएनो फोर के थ्रू ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके इसको बना देंगे हम एसिड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू प्लीज अपने आपको मार्क्स दीजिएगा है ना हम देखेंगे लास्ट में पूरे में से पूरे नंबर किसके आते हैं फिर शाउट आउट करेंगे जिसके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे ठीक है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच ये अपना पेंटेनोइक एसिड हो गया और पेंटेनोइक एसिड से जब तुम सोडालाइम डी कार्पोक्सीन करते हो एन सी ए लाइम डी कार्बोक्सिलेशन तो क्या एलिमिनेट हो जाता है आपका ये सीओ टू एलिमिनेट हो जाता है ध्यान दीजिए सोडा लाइम सीओ टू एलिमिनेट हो जाता है तो आपका बन जाएगा ब्यूटेन पेंटेनोइक एसिड से ब्यूटेन ये हाइड्रोजन इधर आके चिपक जाएगा तो इसमें दो नंबर दीजिएगा खुद को अगर आपने सही किया है तो दो नंबर दीजिएगा ठीक है पढ़ाई को नो मोर बोरिंग अंदाज ऑफ पढ़ाई टेस्ट वे में पढ़ाई होगी ठीक है टेस्टिंग वे में चलिए आगे बढ़ते हैं टू मिथाइल प्रोपेनॉल टू प्यूटेन प्रोपेनौल टू मिथाइल प्रोपेनॉल टू प्रोपेन करिए बच्चों टू मिथाइल प्रोपेनॉल सी एच थ्री सी सी थ्री सी एच प्रोपेनल प्रोपेनल टू मिथाइल प्रोपेनल से प्रोपेन बनाना है तुमको सी एच थ्री सी टू सी एच ओके टू मिथाइल प्रोपेनल से प्रोपेन बनाना है कैसे बनेगा बच्चों फटाफट से हाँ नोटबुक में करो ज्योति का कोई दिक्कत नहीं है नोटबुक में करो है ना कोई दिक्कत नहीं खुद को मार्क्स दो इट्स अ सेल्फ असेसमेंट थिंग है ना कोई टेंशन नहीं है एंड लाइक द सेशन सेशन को लाइक like करेंगे जल्दी से सो वेदर ही कह रही है पीसीसी देन डीकार्बोक्सिलेशन थैंक यू सो मच आरव राजोरा थैंक यू बेटा हम्म

पहले आप करेंगे इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं पीसीसी ले सकते हैं पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसको तो इट विल बिकम सी एच थ्री सी एच थ्री सी और फिर इसका सोडा लाइम डी करो एन ए तो एज यू नो कि सोडा लैम डी से क्या होता है ये सीओ एलिमिनेट हो जाता है ठीक है ये CO2 एलिमिनेट हो जाता है तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन बन जाएगा तो जिन बच्चों का सेकंड वाला भी सही हुआ है वो इस टेस्ट में अपने दो नंबर की वृद्धि कर ले मतलब टू मार्क्स और दे दे बढ़ते हैं हम आगे तीसरे नंबर के कन्वर्जन पे स्टूडेंट्स 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल बेंजीन 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल बेंजीन क्विकली ऑल द बेस्ट गाइस स्टार्ट डूइंग इट 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड टू एथाइल बेंजीन कीप योर एनर्जीज इन हाई मोड स्टूडेंट्स ये एनर्जीज ही होती हैं लाइफ में जो बहुत आगे लेके जाती हैं प्रोपेनोइक एसिड cc double oh h थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इसको हटा देते हैं एंड यहां लगा देते हैं फिनाइल थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड से आपको बनाना है एथाइल बेंजीन एथाइल बेंजीन ch2ch3 व्हाट विल यू डू

और एलिमिनेट होते ही ये बन जाएगा इथाइल इथाइल क्या बन जाएगा बेंजीन. तो जिन बच्चों ने ये कन्वर्जन भी सही किया है वो अपने आप को दो नंबर और दे देंगे two marks from my side, जिन्होंने ये वाला कन्वर्जन भी सही किया है वेरी गुड स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं बेटा ट्रिक नंबर टू अब हमारी आ गई है ट्रिक नंबर टू सेकेंड ट्रिक आ गई है हमारी और सेकेंड ट्रिक इसी पर्टिकुलर चैप्टर की पढ़ा है

से थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल एंड थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ये थ्री हाइड्रोक्सी है विच बीटा तो क्या टेक्निक लग रही है स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। आनंद सिंह राजपूत अमन रेणुगर, गर्ग कौशल रोशन जीना पटेल दीप ओम ठाकुर विप्रा गुप्ता सोनिया अनन्या सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास आई एम सो हैपी वैदही यार तुम लोग को आपस में भी ऐसा कनेक्टेड फील होता होगा ना हम्म तो एल्डोल कंडेंसेशन वेरी गुड तो इसका हमने पह... यार यार तुमने एक चीज नहीं बताई मुझे सारे बच्चे धम, धमा धमा एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल अपनी कॉपी में एक तो साथ साथ करो क्योंकि मार्क्स कॉपी में देख करके देना दूसरी तो बार डायरेक्टली एल्डोल नहीं होगा पहले ऑक्सीडाइज होगा तो पहले इसको ऑक्सीडाइज करो पी सी सी से तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ फिर इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ सी एच थ्री सी एच ओ से सी एच थ्री सी एच ओ से एल्डोल यानी कि

इससे बनाना है तुमको थ्री मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल थ्री मिथाइल टू मिथाइल है सॉरी टू मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल टू मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल टू मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल हम्मली डियर स्टूडेंट्स बेटा दिव्यांशु चतुर्वेदी कह रहे हैं बेटा मेरे students को मुझे एकदम 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 करना है समझते हो ना होशियार कोई बात नहीं परीक्षा नोटबुक में कर रहे हो चलेगा वंदना कह रही है एल्डोल सोनिया एलडोल अन्वेषा एलडोल पहले पीसीसी फिर एल्डोल बोल रही है किसने बताया पहले पीसीसी फेरल्डोल अभिनव अवस्थी अभिनव अवस्थी पीसीसी देनल्डोल अनुराग कौशल अनन्या अग्रवाल एल्डोल ओके तो बेटा पह, ये तुम इसको पहले पीसीसी से क्यों ट्रीट कर रहे हो ये तो डायरेक्ट एल्डिहाइड है इसको और ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाना है अपन को ये अगर प्रोपीनॉल होता तो पीसीसी लगाते ना पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा अल्कोहल था अल्कोहल था तो एल्डिहाइड बनाना जरूरी था

CH2, CHO, है? द, दो दफा बनाओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ दो दफा बना के क्या करना है तुमको दो दफा बना के अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से लिंक करना है और उसके बाद तुमको हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है क्या करना है हाइड्रोजन ट्रांसफर ये लो भैया अब क्या बन गया सेम यही तो बन गया यही तो बन गया देखो ये मेन चेन हो गई तुम्हारी तो टू मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल सेम प्रोडक्ट बन गया तो ये अपनी ट्रिक थी खैर ये रफ वर्क है दिस इज रफ वर्क ये क्या है आई होप कि आप रफ वर्क को रफ में ही करेंगे रफ वर्क है ये और मेन में तो बस इधर NaOH कर दो एन या ओ एच भी कर सकते हो आप जैसे आपका मन हो एन एच या के ओ एच ठीक है चलो अगले पे चलते हैं अब ट्रिक चेंज हो रही है बेटा थर्ड नंबर की ट्रिक आ गई है अब आपकी आ गई है तीसरे नंबर की ट्रिक इसको कॉपी करेंगे प्लीज इसको मैं दूर से इसको पढ़ रही हूँ तब तक आप फटाफट फटाफट कॉपी करेंगे कि बेंजीन से जब हमको डाय सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं ध्यान से सुनिएगा बच्चों बेंजीन से जब हमको प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं और अगर वो प्रोडक्ट्स मेटा डायड प्रोडक्टीट्यूटेड है तो पहले आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा फिर अगला वाला और अगर वो प्रोडक्ट्स पैरा डाय सब्सटीट्यूटेड है तो पहले आपको पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा फिर अगला वाला तो इसको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझेंगे हम लोग तो ये कॉपी कर लिया आपने

तो दिस पहचानने का तरीका। And copy हो गया करें बॉक्स में कॉपी तो so nice हो गया तो करते जाओ क्विक स्पीड बढ़ाओ कॉपी करने की देखो चार्ट में स्पीड ही नहीं आ रही बिल्कुल चले आगे कॉपी हो चुका है हम्म कॉपी करें क्योंकि जब कॉपी करके फिर जब कन्वर्जन ट्राई करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएंगे एंड इसके आज होमवर्क में नोट्स बना लेना ये जितनी भी टेक्निक्स बेटा टेक्निकीन चार सेशंस लाऊंगी मैं ऐसे कन्वर्जन के तो तीनों चारों सेशंस में मैं जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बता रही हूँ ना उसके फाइनल नोट्स जरूर बनाइएगा क्विज रख लेंगे जैसा आप लोग बोलोगे बेटा आप बोलोगे क्विज रखना क्विज रख लेंगे चलिए

तुमने टेन इयर्स की पीवाई क्यू की किताब पूरी कर चुके हो तुम नीट की जेई की हर हर चैप्टर पे वहीं से तो लाती हूँ पीवाई क्यू तो टेंशन मत करो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बेंजीन टू तो मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन अब देखो तरीका समझो ये बेंजीन है और ये है नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन नाइट्रो एंड ब्रोमो मेटा पोजीशन पे तो मैंने क्या बोला था कि अगर प्रोडक्ट मेटा हो अगर प्रोडक्ट मेटा हो तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा और उसके बाद पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा उसके बाद दूसरा ग्रुप लगेगा बेटा इन दोनों में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है इन दोनों में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है राजेंद्र बेटा वीडियो पीछे कर लो पूरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा हाँ बेटा वंदना एनसीईआरटी की सीरीज मेरा नेक्स्ट है एनसीईआरटी की भी सीरीज वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन स्पेशल क्लासेस डोंट वरी आई एम वर्किंग फॉर द इन फेवर ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू है ना बेटा एन टू वेरी गुड तो पहले एनओ टू लगाएंगे एनओ टू लगाएंगे तो देखो एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर ठीक है एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर क्या बन जाएगा नाइट्रोबेनजीन बन जाएगा क्या बन जाएगा नाइट्रोबेनजीन बन जाएगा ठीक है अब नाइट्रो में नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड होते हैं ना तो नाइट्रोबेंजीन में फिर आप uh, तो मेटर तो का बहुत ध्यान रखना है, बेंजीन वाले में। ये तीसरा ट्रिक जो है ना ये वाला ये कन्वर्जन इन्वॉल्विंग uh, बेंजीन रिंग रियक्शन है तो जब भी बेंजीन रिंग रिएक्शंस के कन्वर्जेंस आते हैं तो तुमको सीक्वेंस अगर तुम उल्टा करवा देते ना पहले ब्रोमिनेशन और फिर नाइट्रेशन बिल्कुल जीरो नंबर हो जाते

ठीक है कितने हो गए मार्क्स ये दो नंबर देती 14 हो गए ना चलो आगे बढ़ते हैं बेंजीन टू पैरानाइट्रो ये बेंजीन है बेंजीन से बनाना है तुमको पैरानाइट्रो टोलुइन पैरानाइट्रो ऑल राइट स्टार्ट डूइंग इट स्टूडेंट्स गेट सेट गो फटाफट फड़ से कॉपी में करो कॉपी में करो सबसे बढ़िया है थैंक यू वेदर थैंक यू सो मच बेटा पनिका हाँ, yes, गुप्ता, आपका special class कितने से रहता है special class आ, है बेटा मेरा आज पे शाम को और उसमें मैं coordination chemistry का मैंने कल कराया था बाकी पूरा चैप्टर में आज कराने वाली टू एंड हाफ आवर्स में थैंक यू सुनीता पुद्दार कलिया वंदना गुप्ता कह रही है कन्वर्जन को पूरा पूरा लिखो अनुराग कह रहे हैं पहले ए एल सी एल थ्री सी एच थ्री मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है रोशन नहीं अब तुमने मुझे बता दिया ना अभी मैं कुछ करूंगी नहीं रहेगी वीक नाइट्रेशन ठीक है भी ये कह रही सोनिया कह रही है पहले एलकाइलेशन करा लो फिर नाइट्रेशन करा लो नाइट्रेशन बेटा एच एन ओ थ्री से होता है सोनिया बी टू एच एन ओ टू से नहीं होता है ना हाँ वेरी गुड वेरी गुड मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं तो पहले तुमने क्या कराना है पहले तुमने बेंजीन का आ, क्योंकि ये पैरा होता है तो तुम्हें दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और पोजिशन दिखाई दे रही है ये मि, तो इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना तो पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा यानी सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री तो क्या बन जाएगा टोलुन बन जाएगा ठीक है टोलुइन बन गया अब का नाइट्रेशन कराओगे तो इवेंचुअली हाँ। कराओ तो ग्रुप, ग्रुप आएगा तो को बना के नहीं दिखाना है, क्योंकि कन्वर्जन है तो, हमको पैरा बना के तो जिसने ये सही किया है दो नंबर दे दे खुद को और इसी के साथ हो जाते हैं तुम्हारे सोलह नंबर पक्के अगला करो बेनजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बेनजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन इस टेक्निक को याद करने के लिए मेटा नाइट्रो एसिटोफिन सी यू सी थ्री हाँ मैं इस पे एग्जाम्पल्स बना बना के लाई हूँ ताकि तुमको ये अच्छे से याद हो जाए कभी भी आए तो तुम भूलो नहीं बेंजीन से डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है और ऐसी ज्यादा टेक्निक्स नहीं है टोटल मिला के पंद्रह बीस टेक्निक्स है कन्वर्जन अच्छे से हो जाते हैं तो मैं रिपीटेड सेशन लाती रहूंगी बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिन हम्म मधुसूदन दत्ता बेटा खूब सारी प्रैक्टिस करो के की प्रीवियस ईयर सवाल की बुक लाओ और खूब सारा उसमें से प्रैक्टिस करो नाइट्रेशन अब इसमें तुम सीक्वेंस कुछ भी कर सकते हो हाँ बेटा सुफियान है बिल बहुत है वन शॉट देख लो कहीं अटको तो डिटेल रेफर करो और एनसीआरटी कर लो इट इज इनफ फॉर बोर्ड्स सारे सेशंस में लाइव करो ऑल सेशंस जो है वो बोर्ड्स के हिसाब से प्लान हो रहे हैं मेरे नाइट्रेशन एसाइलेशन देखो ये जो ग्रुप होता है ना इसमें भी तो मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है और ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है तो जिसने जो भी सीक्वेंस फॉलो किया है और फिर तुम क्या करवा लो ग्री थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री तो इसके दे दो, दो नंबर और अट्ठारह नंबर अपने पक्के कर लो अगले में आते हैं बेंजीन टू तो मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड बेंजीन टू तो मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड क्या करोगे बच्चों बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड क्या करोगे हाँ कोई बात नहीं वैद्य ही चलेगा कोई टेंशन नहीं एसाइल ग्रुप भी पैरा मेटर डायरेक्टिंग होता है नाइट्रो भी मेटर डायरेक्टिंग होता है चॉइस योर्स ऑर्गेनिक जल्दी शुरू करेंगे बेटा जहीना क्विकली क्विकली यस सागर सिंह फर्स्ट टाइम आप ऑर्गेनिक मुझसे पढ़ रहे हो बिल्कुल इनफ है बेटा मेरे बच्चे बेटा बिल्कुल इनफ है बिल्कुल इनफ है इट्स बीन फोर्टीन ईयर्स दट आई एम टीचिंग दीज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू माई स्टूडेंट्स एंड सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माई हे ऑलरेडी सिक्योर्ड हंड्रेड मार्क्स एंड आई आई वॉन्ट मैक्सिमम ऑफ यू शूड सक्योर हंड्रेड मार्क्स है ना और आ जाएंगे टेंशन ना करो गेट मैन कर रहे हैं ये इस सवाल का जवाब मुझे रोज देना पड़ता है इज इट इन इट इनफॉर वर्ड्स इज इट यस इट इज इनफ फॉर नाइट्रेशन एंड गेट अन अरे मेरा जान के क्या करोगे जितेंद्र अप्लाइड में की थी कि किस में की थी नाइट्रेशन गेटरमैन नाइट्रेशन गेटरमैन नाइट्रेशन गेटर नाइट्रेशन के बाद गेटरमैन का आंसर अच्छा तो तुम पहले गेटरमैन करा लो फिर नाइट्रेशन करा लेना एक ही बात है है ना पहले गेटरमैन करा लो सब लोग एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं नाइट्रेशन गेटरमैन तो पहले गेटरमैन करा लोगे तो भी क्या दिक्कत है पहले गेटरमैन करा लोगे तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा ठीक है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा

ये क्या क्या करवा दिया अमन बहुत लंबा गया ये कन्वर्जन तो ये तो बहुत छोटे से में ही हो रहा है चलो आप दो नंबर और देखे हो जाते हैं मार्क्स पक्के आगे बढ़ते हैं बेंजीन बेंजीन टू टू बेंजीन से बनाने हैं पैरा नाइट्रो बेनज क्या करोगे पैरानाइट्रो पैरानाइट्रोबेंजल डिहाइड है ना मैंने मेटा बना दिया बेंजल डिहाइड पैरानाइट्रो पैरानाइट्रो हम्म इटर पेंसिल करो मेरे स्टूडेंट्स गेट सेट गो फॉर दिस रिएक्शन क्विकली पहले नाइट्रेशन देन गैटामैन ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो हर्ष एल्डोल एंड गैटे अरविंद बेटा एल्डोल कहा आ गई इसमें एल सी एल थ्री सी एच थ्री सी एल फिर नाइट्रेशन फिर इटा आई थिंक वंदना गुप्ता ने सही जवाब दिया है प्रियंका ने खुशी कह रही है कि पहले फिनोल में कन्वर्ट करो देन नाइट्रेशन देन नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटू खुशी गेटरमैन देन नाइट्रेशन तो वो तो मेटा होगा पैरा कैसे बनेगा बेटा गेटरमैन देन नाइट्रेशन करोगे छवि अग्रवाल बेटू वो फिर तुम्हारा पैरा कैसे बनेगा पता है क्या तो इश्यू है तुम्हें बताती हूं प्रॉब्लम क्या है अरे मुनैशा बेटा अलग सर ओपी हैं आई रिस्पेक्ट यू अ बट उनको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो और बस उनकी बातें करो ही उन्हें भी नहीं पसंद आएगी चीज हाँ, एल्काइलेशन ईट वेरी गुड बेटा वेद ही वेद ही सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था ये पढ़ा था मैंने वंदना का है ना तो चलो करते हैं ये बेंजीन है। बेंजीन है, से क्या बना रहे हैं अपन पैरा अब पता है? है दोनों ही मेटर डायरेक्टिंग नाइट्रेशन पहले करा लोगे तो ये भी अपने, से तो ये भी अपने से मेंटा, मेंटा करेगा। पर तुमको प्रोडक्ट तो कैसा चाहिए प्रोडक्ट तो पैरा चाहिए इसका मतलब पैरा का रास्ता पकड़ना पड़ेगा अब पैरा का रास्ता क्या है पहले इसको तुम टोलुइन में बदलो कैसे बदलोगे क्योंकि तुमको कोई ना कोई पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही लगाना पड़ेगा नहीं तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं तो पहले टोलुइन में बदलो सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री अब टोलुइन का तुम नाइट्रेशन करो एच एन ओ थ्री एच टू एसओ फोर ठीक है एच एनओ थ्री एच टू एस ओ फोर टोलोवीन का तुम नाइट्रेशन करा लो लो भैया हो गया नाइट्रेशन टोलुइन का एनओ टू सी एच थ्री तो पैरा नाइट्रोटॉलोविन बन गया पैरा नाइट्रोटोलोइन का इटार्ड करा लो इटार्ड के वो जो भी पंगेबाज टाइप का रिएजेंट होता है सीआर टू सी एल टू

क्लियर बच्चों क्लियर बेटा गेटरमैन में कुछ नहीं है गेटरमैन में आ, बेंजीन से बेंज़ल बनाना होता है करने और कुछ भी नहीं है वैदा ही वंशिका चौधरी दोबारा से समझाओ बेटा थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो ना सिंपल फंडा है ना तो ये पैरा डायरेक्टिंग है ना ये पैरा डायरेक्टिंग है तुम करोगे क्या तुम सी पे नाइट्रेशन देगा तुम नाइट्रो पहले लगाते हो ये मेटा पे तो सी ना तुम तुम्हें तो पैरा लगाना है तो इसका मतलब तुम्हें कोई सा तो ऐसा ही ग्रुप लगाना पड़ेगा जो कि पैरा डायरेक्टिंग हो और फ्यूचर में उसमें कन्वर्ट होने जैसा हो तो तुमने पहले टोलुइन बना दिया बेन्जीन का फिर नाइट्रेशन करा दी तो पैरा पे आ गई नाइट्रो ग्रुप और फिर टोलुइन का सी का तुमने सीएचओ कर दिया चालाकी से काम किया ना वैसा ठीक है बेटा

बताओ मेरे स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट पूछेगा तो दूसरे ही बच्चे जवाब देंगे क्या ये रिएक्शन सही है अगर नहीं है तो इसमें क्या पंगा है नहीं बेटा संस्कृति अभी कल से स्टार्ट नहीं हो रहा है कल का हो सकता है कल का ऑफ रखूंगी मैं हो सकता है कंफर्म नहीं है तो मैं पता लग जाएगा, ये बन जाएगा। नहीं राजेंद्रपाल वो बात नहीं हुई मतलब बेसिकली ना तुमने फिर टॉलुइन बनाया ही क्यों मैदही फिर तो तुम डायरेक्ट गेटरमैन करवा देती पंगा ही तो यही था बिटू पंगा क्या था पंगा ये था कि सीएचओ ग्रुप मेटर डायरेक्टिंग होते पैरा नहीं होता है तो वो वाला मेथड भी सही इसलिए नहीं है क्योंकि तो बेंजीन से तुम बेंज़ल डिहाइड बनाओगे थ्रू इटार्ड दो दो स्टेप क्यों कर रहे हो डायरेक्ट ही कर लो दो दो स्टेप क्यों कर रहे हो डायरेक्ट ही कर लो अब डायरेक्ट ये करोगे तो फिर मेटा नाइट्रो देगा पैरा नाइट्रो देगा क्योंकि सीएचओ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है पैरा डायरेक्टिंग होता तो ये तरीका ही सही नहीं है कि सीएचओ करवाने के बाद नाइट्रेशन करवाना क्योंकि तुमको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो दिस इस तो दिस इज द रॉन्ग रॉन्ग मेथड मेथड मैं इसको काट रही हूं, क्योंकि ये है करेक्ट तरीका क्या है टोलुविन के समय पे नाइट्रेशन कराना ताकि तुमको पैरा प्रोडक्ट मिले टॉलुविन के समय पे नाइट्रेशन कराना बिकॉज द मेन पंगा इज दिस कि तुमको नाइट्रेशन करानी है और कमबख्त तुमको पैरा प्रोडक्ट चाहिए और दोनों मेटा डायरेक्टिंग है आई होप द डाउट इज क्लियर

ये इसके साथ कितने हो गए दो नंबर मिल गए तुमको इसके तो दो नंबर मुझे नहीं लग रहा किसी को भी मिले होंगे तो इसके दो नंबर नंबर मिलते 22 हो जाते है। अब तुम प्रैक्टिस तो फिर फिर करूंगी पहले मैं सिखा रही हूं अगर ना तुमको रिएक्टेंट में अल्काइल हेलाइड मिलता है ठीक है तीन मिनट में सिखाऊंगी तीन मिनट में सिखाने के लूंगी अगर तुमको रिएक्टेंट में अल्काइल हेलाइड मिलता है और प्रोडक्ट में तुमको कार्बन एटम की चेन में वृद्धि मिल जाती है विच मीन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट इज एब्रप्टली अब इंक्रीज हो गए विद ट्रिपल बॉन्ड दो बातें कार्बन एटम की लेंथ लंबी हो गई है और ट्रिपल बॉन्ड आ गया अभी कल या परसों ही मेरे पास इस वाली रिएक्शन के लिए रिक्वेस्ट आई है कि मैम ये वाली सिखा दो तो मैं अभी मुझे नाम बच्चे का याद नहीं है बट कल परसों में ही आई है तो मैं स्पेशली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ आई डोंट नो ही और शी इज देयर और नॉट कि मैम ये इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते हैं तो से दो चेंजेस हुए हैं एक तो कार्बन आइटम की चेन लंबी आइटम है काउंट कर लो डिफरेंस फोर माइनस टू यानी दो का डिफरेंस आया अगर मैं सोच टू तो बी मोर प्रसाइज ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ सा दिखता है तो ये कहां से आएगा ये जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ सा दिखता है ये आएगा कहाँ से सुनो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को हम सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे क्योंकि ये एक एसिड हाइब्रिडाइज़ होने के कारण का नेचर एसिडिक होता है और एसिडिक होने के कारण ये बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन अब इसको मैं रिएक्ट किससे करवाऊंगी सी एच थ्री सी एच टू एक्स से देखो इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए अब दूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ मेरे पास एल्का हेलाइड जो है वो भी रिएजेंट हो सकता है मेरे पास एल्कोहल भी रिएजेंट हो सकता है ठीक है बट मैं देख रही हूँ कि कार्बन आइटम में एक एब्रप्ट सा इंक्रीज हो गया है लेंथ में प्लस प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड है अभी ये ट्रिपल बॉन्ड से आ गया ट्रिपल बॉन्ड का तो कुछ जरिया ही नहीं है फिर कहा लंबे लंबे फॉलो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक ये है कि तुम वो जो जितना भी डिफरेंस है मतलब दो से चार हुआ तो कार्बन एटम्स में कितना डिफरेंस है दो कार्बन एटम का डिफरेंस है तो दो कार्बन एटम का तुम एल्काइन एज इट इज ले लो ठीक है और उसका सोडियम सोल्ट बना के इस हेलाइट से ट्रीट करा दो इसके कोई नंबर नहीं देने खुद को अब मैं पूछूंगी ये तो मैंने समझा दिया ठीक है समझ में आया तो थम्स अप करेंगे बेटा थम्सअप करेंगे अगर समझ में आया क्योंकि फिर आगे मैं टेस्ट आगे, टेस्ट पेपर क्रिएट इस पे। यस राजेंद्र वन पॉइंट में बताया था करेक्ट आ गया रिया कुमारी को नहीं आया क्या समझ हाँ टर्मिनल अल्काइन यस हाँ बेटा रिया ध्यान वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो एक बार फिर से सुनो मेरी कही गई बात को एनसीआर इनके एनसीआर में कुछ कन्वर्जन ट्राई करते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री देखो अच्छा से तुमको देती हूँ बढ़िया सवाल बना के हाथों हाथ बन रहा है यहां सवाल सी एच थ्री सी एच टू ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस करो बच्चों बताओ जरा कैसे कर सकते हो इसको ये अगला दो नंबर का टेस्ट क्रिएट हो गया तुम्हारे लिए करो 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 क्विकली गो स्टूडेंट्स और सेशन को लाइक कर दो फटाफट से एसोसीएल टू लगाया है अनुराग कौशल ने देन सोडियम सॉल्ट है एल्काइन का एसओसीएल टू ही शर्मा ने लगाया देन सोडियम सॉल्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड अतुल कुमार ने भी एसओसीएल SO टू लगा के सोडियम सोल्ट ऑफ दिस एल्काइन करवाया है PCL5 करा के सोडियम हैल्ट सोनिया भी यही कह रही हर्ष भी यही कह रहे हैं अनुराग कौशल भी यही कह रहे हैं वुड्स क्यों करा दे बेटा वुड्स कैसे करा दे रिफा नहीं वुड्स में एग्जैक्ट मिरर इमेज बनती है इसमें काहे कि मिरर इमेज बन रही है दो कार्बन आइटम से पांच कार्बन आइटम क्रिएट हो रहे हैं है ना और ट्रिपल बॉन्ड और साथ में आ रहा है इनाम में बोनस में तो फिर उस ट्रिपल बॉन्ड का क्या करेंगे नहीं करा सकते हर्षराज को रिपीट करने का रह रहा है तो चलो मैं इसको और अच्छे से बता वैसे तो देखो बेटा जितने अच्छे से मैं बता सकती हूँ मैंने बताया फिर भी मैं एक ट्राई और करती हूँ एक ट्राई और करती हूँ अरे वाह बेटा नाम क्या बोलूं मैं तुम्हारा आपकी वजह से मेरे बहुत अच्छा प्री बोर्ड में पेपर दिया आई एम वेरी हैप्पी बेटा चलो जी नहीं 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 करा सकते अरे वूड्स के पीछे पड़ गया एक बच्चा नहीं मैम वूड्स ही कराएंगे तुम वूड्स करा लेना बेटा ठीक है अनुराग कौशल ऑनलाइन पिटाई लगेगी अभी ऑनलाइन पिटाई लगी है डिजिटल पिटाई लग जाएगी मतलब लिख रहे हो और मिटा रहे हो और मैं मिटाने से पहले मैं पढ़ रही हूँ क्या लिख रहे हो हम्म चलो तो ये तुम्हारा देखो सबसे पहले एसओसीएल टू से ट्रीट करवाएंगे क्योंकि अल्काइल है लाइट में बदलना जरूरी है तो पीसीएल फाइव हो सकता है पीसीएल थ्री हो सकता है एसओसीएल टू हो सकता है तो इसको बदल दो तुम सीएच थ्री सी एच टू

ट्वेंटी टू मार्क्स का पेपर हो चुका है कि ट्वेंटी फोर का हो चुका है एक और करो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी डब्लू एच से थ्री सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच करो बेटा प्रोपेनोइक एसिड से पेंट बनाइन प्रोपेनोइक एसिड से पेंट बनाइन 24 का हो चुका है ना ठीक है तो ये दो नंबर का और आ गया प्रोपेनोइक एसिड से 30 30 मार्क्स का पेपर टोटल करेंगे आज के सेशन में प्रोपेनोइक एसिड से पेंट वन आयन कैसे करोगे थैंक यू बिटू वेदर ही यू मेड मी इमोशनल बेटा नो ऑफलाइन टीचर कैन टीच अस लाइक यू थैंक यू मैम फॉर योर हेल्प एल आई एल एच फॉर एसोसि हिमांशु अनुराग सोडियम सोल्ट कहां से आया हर्षराज कह रहे अबे ये सोडियम सोल्ट आया कहा से सोडियम सोल्ट लाना पड़ेगा ना यार क्योंकि इतना जो कार्बन आइटम में इंक्रीज हो रहा है ये ये पर्टिकुलर पोर्शन बड़ा है ना देखो हर्षराज बेटा <coughs> देखो ये पोर्शन इंक्रीज हुआ है, है कि नहीं तो तीन से कार्बन आइटम तुम्हारे पांच हो गए हैं है ना पांच हो गए हैं तो तीन से पांच करने में दो कार्बन एटम बढ़े हैं ना तो ये कहीं से लाना ही पड़ेंगे वो सोडियम सोल्व भी वहीं से आएगा रिएजेंट की तरह काम करेगा मतलब सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं बेटा कुशल दाहिया आंसर्स करो फटाफट हम्म तो सिंपल है पहले इसका हमने एल आई एल एच फोर से एल आई ए एल एच फोर से स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दिया तो बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच और फिर हमने इसका SOCl2 सी एल टू से रिएक्शन करवा दिया तो बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल और फिर इसका हमने क्या करवा दिया इस डिफरेंस वाले के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस थिंग बस एक एन ए लगा के इसको कॉपी तो मारना है हर्ष समझ में आ रहा है बेटा एन ए लगा के तुम्हें डिफरेंस को देखो ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच

अब ये ट्रिक तुम्हारी बहुत पुरानी है और काफी बार मैं पढ़ा चुकी हूं है ना तो इसको एक बार फटाफट नोट कर लो चाहो तो क्विकली नोट करना लेकिन जल्दी जल्दी क्योंकि दो सवाल और बच्चे विल बी ओवर क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करो क्विकली मैं आगे से हटी हुई हूं जल्दी से नोट करो यस yes, राजेंद्रपाल कह रहे हैं माई फेवरेट ट्रिक नोटेड कुछ लोग अपने घर के संस्कार यहाँ दिखाने आ जाते हैं टाइम बिल्कुल फोकट होते हैं कुछ करने को होता नहीं है पढ़ाई लिखाई करनी नहीं होती है और जो भी जैसा भी सीखते हैं वो यहाँ चैट बॉक्स में एक्सप्रेस करते हैं भाई ये तो है ही ना हम्म चलिए तो ये पूरा प्रॉपर टेक्निक है और अब आपका आ रहा है प्रोपेन वन ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड प्रोपेन वन ऑल से आपको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड ये तो तुमको अच्छे से आता होगा यार ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो क्योंकि मेरे को खुद को ये सिखाते सिखाते छह महीने हुए हैं है ना करो फटाफट से

कि साइनाइड किस किस में बदला जा सकता है मतलब सी एन ग्रुप जो है वो किस किस में बदला जा सकता है इसको तो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया करो तो जैसे सी एन का सी H एच थ्री ओ प्लस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस ये फिर एल आई एल एच फोर ठीक है एल आई एल एच फोर एल में स्टीफन रिएक्शन एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल और कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आर डैश तो से जिस जिस में कन्वर्जन है ना वो तुमको याद रखना है क्लियर स्टूडेंट वंशिका बेटा रिकॉर्डेड देखो और अपना पूरा करो बैकअपेड सेशन देखो बेटा है ना वंशिका चौधरी बिटू चलो जी ये नोट हो चुकी है तो मैं आगे बढ़ती हूँ और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और इसको रोक करके नोट करेंगे अब इसमें आ जाइए प्रोपेन वन ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड प्रोपेन ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड क्विकली स्टूडेंट एस एन एंड प्लस प्रियंका बता रही है हाँ, फूल खिलता है ना ये फूल है पूरा मैं ये मैं कहती हूँ फूल खिलाना है तो सारे बच्चों को ये सही आया है तो कुछ नहीं एसओसीएल टू से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सी 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 एल और फिर इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे के सी एन से के सी एन से करवाएंगे तो सी 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 एन हो जाएगा सी 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 और एक सी एन हो जाएगा हाँ और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो एच थ्री ओ प्लस तो क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड बैलेंसीज पूरी कर लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच और सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू तो बच्चों ने जिन्होंने किया है टू भी लिख सकते हैं PCl5 भी लिख सकते हैं फिर के सी एन और फिर मतलब स्टेप अप के लिए आपको KCN यूज करना है और ये हो जाएगा आपका दो नंबर यानी अब आपके पूरे हो जाते हैं 28 नंबर अगला करो वन क्लोरोब्यूटेन से हेगेन टू ओन वन क्लोरोब्यूटेन से हेक्सेन टू से टू ऑन स्टूडेंट्स करो जब तक मैं इसकी बैलेंसी इस पूरी कर रही हूं ये लास्ट कन्वर्जन है दिस वन इज लास्ट हम करो बेटा थैंक यू बेटा हर्षराज थैंक यू निक्शिप जैन थैंक यू सो मच मेरे बच्चों थैंक यू सो मच मेरे बच्चों थैंक यू सो मच दिल से निकली हुई आवाज है केसीएन केसीएन एंड कैरी हिमांशु गुप्ता ने एक टाइटल का आइडिया दिया मुझे पी ब्लॉक का गोल्डन क्वेश्चंस और यार टाइटल मस्त है यार पी ब्लॉक का गोल्डन क्वेश्चंस मतलब जो इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक क्वेश्चंस है उनको एक सेशन में लेके आए पी ब्लॉक का गोल्डन क्वेश्चंस क्या बात है यार क्लास के अंदर टाइटल के नाम डिसाइड हो चुके हैं वंदना प्रोपे नोन टू प्रोपीन बेटा प्रोपेन उनको पहले रिड्यूस कर लो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा फिर उसके बाद डिहाइड्रेट कर लेना कंसेंट्रेटेड एस से तो प्रोपीन बन जाएगा ठीक है वंदना हम्म चलिए तो पहले इसको क्या करेंगे अब देखो इसमें कीटोन बनाना है तो पहले के से ट्रीट करेंगे इसका आंसर मैं बता रही हूँ स्टेप अप है तो पहले के से ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा ठीक है से अब याद हो तो मैंने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में नाइट्राइल्स टू मैंनेटोन्स बनाना सिखाया हुआ है अगर याद नहीं है तो एनसीईआरटी खोलो सेशन को भी क्लिक करो क्योंकि सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं सेशन प्रिपरेशन वाले सेशन में जाना तो इसका अब सी एन अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है ये सी एच थ्री ग्रुप तो तुमको क्या लेना है तुमको लेना है आर यानी आर कौन है सी एच थ्री एमजीएक्स अब टेलर टेक्निक से तुमको मैं बना के दिखा रही हूं हालांकि में बनाने की जरूरत नहीं होती फिर भी मैं तुमको दिखा रही हूं कि एडक क्या बनेगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो एग्जाम में एडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कन्वर्जेंस में तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एन एम जी बी आर एन एमजीबीआर

आई मीन सॉरी केसियन के थ्रू कीटोन बनाते हैं तो ग्रिगनार्ड से ही बनता है वो है ना क्योंकि सिंगल टेक्निक एनसीआरटी में भी है. तो ग्रिगनार्ड में आर ग्रुप कौन सा होगा वो उस डिफरेंस से निकल के आएगा कि सी एच ट्री विल बी दिल ग्रुप इस पे अगर नहीं पकड़ आ रही है तो जो आपका वो वाला सेशन है एल डीड की कार्बोक्सिलीपरेशन वाला उसको खोले उसमें कीटोन की, की नाइट्राइल से प्रिपरेशन पड़े एनसीआर खोले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे दो नंबर का ये हो गया चैट बॉक्स में लिखो इसके थर्टी में से थर्टी मार्क्स आए क्विकली टेल मी माइ डियर स्टूडेंट ये होमवर्क होमवर्क है इसको में करना और बस हो गया दैट्स इट फॉर मजा आया आया कि नहीं इस में। आज ऐसे तो सेशन में खूब सारे लेके आने वाली हूँ एकदम स्टड करना है मुझे तुम लोगों को कन्वर्जन में ऑल करेक्ट वेरी गुड वेदर ही एक मिनट जरा मोबाइल में से देखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो चैट भगेगी अब अभिनव का ट्वेंटी एट में से थर्टी वंदना ट्वेंटी एट में से थर्टी रिनाउल ट्वेंटी एट आया लेकिन आज का क्लास में मजा आया लाइक करना है सेशन को ठीक है एल्डोल वाला रॉन्ग हो गया अच्छा प्रियंका कोई बात नहीं ओके अतुल पच्चीस नंबर क्यों दिए दो या तो दो देते या जीरो देते तो इवन नंबर में आंसर आना चाहिए थैंक यू दीक्षा सिंह थैंक यू सो मच अभिनव झा के ट्वेंटी एट में से थर्टी रमनदीप सिंह के थर्टी में से थर्टी Uh, वेद ही के गॉट ऑल करेक्ट एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन तो 28 मान लेते हैं ट्वेंटी एट में से थर्टी रनॉल के तो बता ही दिए ट्वेंटी एट और आशीष चौहान के ट्वेंटी टू आनंद सिंह राजपूत के ट्वेंटी एट लेट्स क्रैक बोज यानी हमारी संस्कृति क्या है ट्वेंटी सिक्स थर्टी में से और सोनिया क्या है ट्वेंटी सिक्स रिया मालिक के आए हैं ट्वेंटी सिक्स एक आध रॉन्ग हो गया चलता है कोई बात नहीं तुषार तो टाइटन के आए हैं ट्वेंटी सिक्स तो ऐसे सेशंस और लाने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर इफ यू वांट मोर सच सेशंस की हाँ मैम एक घंटे के बीच बीच आप तो में आपका चाहिए, क्योंकि वो मैं पढ़ती हूँ ना तो वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट तुमको है, है ना लेकिन फिर भी तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है गुड 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 पीयूष कुमार के थर्टी में से थर्टी परम यानी प्रेक्षा के ट्वेंटी सोना त्रिपाठी के ट्वेंटी सिक्सा के ट्वेंटी सिक्स सर्फेस का कोर्स ले आएंगे बेटा पहले नाम अच्छे से रजिस्टर करो बॉलीवुड सॉन्ग अपना नाम बदलो फिर लाऊंगी मैं सरफेस का माइक्रो कोर्स वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स तो दिस इज योर शेड्यूल ये टाइम टेबल रहता है मैं आ जाती हूँ डेली दो बजे आ, परसों में कुछ सरप्राइज लेके आ रही हूँ परसों फ्राइडे है तो परसों पूरा दिन कुछ ना कुछ बढ़िया रहेगा वो यूट्यूब फेस्टिवल रहेगा अपना तो यूट्यूब फेस्टिवल पे मैं कुछ तो डिफरेंट करने की सोच रही हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या है एंड अनअकेडमी uh, पे आज साढ़े चार बजे आना नहीं भूलना क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस होने वाले हैं एक साथ बीबीटी पढ़ाऊंगी सीएफटी पढ़ाऊंगी कलर पढ़ाऊंगी जितना भी सब इंपॉर्टेंट मसाला है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो आज साढ़े चार से सात साढ़े चार से सात वन शॉट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है तो उसमें आना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स को भी अब अगर आप लेके आते हो तो उन्हें बता देना कि इनवाइट कोड एम बी लाइव होता है और तरीका है कि अनअकैडमी की लर्निंग आप डाउनलोड कर लो लॉग इन कर लो गोल सेलेक्ट कर लो मेन्यू बटन पे क्लिक करो ये तीन बार से इन पे क्लिक करोगे तो आपका आ, वो फ्री कोर्सेस स्पेशल क्लासेस प्लस वो खुल जाएगा आपको स्पेशल पे क्लिक करना है और इनवाइट कोड या तो एमबी लाइक या तो फिर मोनिका जो कि मेरा नाम है ये इससे आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी प्लीज ये बताया करें नहीं तो बच्चे अटक जाते हैं ठीक है थीके? आज शाम को साढ़े चार बजे भूलना नहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल राइट चलो आगे बढ़ते हैं ये डिटेल सेशन हमारे दीज फुल सेशन आर डिटेल सेशन एंड कॉम्प्रेहसिव कोर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड जिसमें मैं खूब सारा प्रैक्टिस करा रही हूँ पी वाई के उसका प्रेजेंटेशन सिखा रही तो जो बच्चे ऑलरेडी प्लस के बच्चे हैं वो एनरोल कर लेना इसके लिए और जो बच्चे प्लस के नहीं है उन्हें मैं इन्वाइट करती हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि प्लस प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है एटलीस्ट थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी में एंड यू विल यू नो गेट एक्सेस टू ऑल एडुकेटर्स क्लासरूम्स जहाँ पे धमाधम प्रैक्टिस चल रही है डाउट क्लियरेंस सेशन चल रहे हैं मतलब क्लासरूम वाली फील चल रही है प्रॉपर है ना तो आप ये वाला जरूर ले थ्री मंथ्स का फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी का क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे इसमें तो आपके इंग्लिश वगैरह सब हो जाएगा साइकोलॉजीज और सोशल जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं सब कवर होंगे और तीन महीने की फीस ये बिल्कुल कम है ठीक है एंड इलेवंथ क्लास का बच्चा एटीन मंथस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है एटीन थाउजेंड रुपीज में

तो वो इस ये क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनल मेंटर जिससे मन पर पड़, पड़े तब आप बात कर सकते हैं आपको जब जब गाइडेंस की जरूरत है आप अपने पर्सनल मेंटर से बात कर सकते हैं आपके इवन पेरेंट्स आपके पर्सनल मेंटर से बात कर सकते हैं आपकी डाउट सॉल्विंग और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी आपका स्टडी का प्लानर आपका मेंटर बना के देगा आपको आपकी वीकली रिपोर्ट आपको आएगी यानी कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की आप क्विजिस में कैसे हैं आपको क्या करना चाहिए कि आप अपना परफॉर्मेंस और बेहतरीन कर सकते हैं और उसके अलावा मिलेगा आपको सारे बेनिफिट्स ऑफ प्लस यानी कि प्लस के क्लासरूम्स

आपको आ, जो टॉप मोस्ट एडुकेटर्स ऑफ द नेशन है जो कि जैसे वाइब्रेट अकेडमी के उन एडुकेटर्स अगर आपको पढ़ना है और और आप बहुत फोकस कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पे तो ट्वेल्व का सब्सक्रिप्शन ले लें में आपको सारे सब्जेक्ट्स का पड़ जाएगा रेफरल कोड एम बी लाइव से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है स्टूडेंट सेशन को लाइक जरूर करना सेशन को लाइक जरूर करना क्विज दोगे एल्डिहाइड की वाले चैप्टर पे बना देती हूँ ठीक है एल डी वाले चैप्टर पे मैं क्विज बना रही हूँ और कोड बता रही हूँ आपको वेट फॉर हैव टू गिव मी थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स देना बच्चों मुझे आप फुल ऑर्गेनिक करें ओके okay. सब रेडी करते हो ऑर्गेनिक चलो ठीक है देखते हैं आज फुल ऑर्गेनिक मतलब मीन्स तो नहीं करूंगी मैं यार मीन्स अभी अभी मैंने इस वाले सीरीज में पढ़ाया नहीं है ना तो मीन्स मैं नहीं कर रही हूं ठीक है बेटा दस सवाल है टेन क्वेश्चन इन टोटल ईच क्वेश्चन विल बी गिवन फोर्टी सेकेंड्स ठीक है स्टूडेंट्स हाँ बेटा अनुराग सुन लिया सुन लिया ठीक है सिंपल ही क्विज है ज्यादा कुछ है नहीं तो स्टार्ट करते हैं क्रिएट कर दिया मैंने क्विज कोड ले लीजिए स्टूडेंट्स क्विज कोड है कोड फॉर द कोइज मैं नेक्स्ट थर्टी सेकेंड्स में कोइज स्टार्ट कर दूंगी सिक्सटी थ्री एट फिफ्टी एट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय थ्री 63 एट फिफ्टी एट सिक्सटी थ्री सेवेंटी एट फिफ्टी एट ठीक है सिक्सटी थ्री सेवनटी एट फिफ्टी एट तो इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ लीव बच्चों क्योंकि साढ़े चार बजे तुम्हारी कोऑर्डिनेशन के मिस्ट्री का सेशन है वन शॉट तो उसमें बहुत सारा पढ़ाना है तो आई हैव टू टेक अ रेस्ट मेरे गले को मुझे थोड़ा आराम देना है तो मैं भी लंच करके आती हूँ अपन मिलते हैं लंच के बाद साढ़े चार बजे ठीक है स्टूडेंट्स बाय बाय लाइक करके जाना सेशन को बाय स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू ऑल